आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया है ई कैंपेन में ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट करने का, तो उसको आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका इनकम कितना है। अगर आपको लगता है कि 2.5 लाख के ऊपर का इनकम है तो डेफिनेटली आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन आपके सेविंग अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से अगर हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा, इसके साथ जो है आपको रिस्पॉन्स भी सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ रिस्पॉन्स सबमिट कर दूंगा और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, मैं फिर से बताते रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आप क्रेडिट कार्ड यूज़ तो कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में आप रिटर्न पैसा कहाँ से भर रहे हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा ना। देखिए ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट करने का क्या है, सिंपल आपको पेंडिंग एक्शन पे जाना है, कंप्लाइंस पोर्टल पे जाना है, और यहाँ पर ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ऑनवर्ड लिखा हुआ है। अभी हम लोग जो है 22-23 असेसमेंट ईयर का हम लोग फाइल करेंगे, यानी कि ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। ठीक है, क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, अलग टैब ओपन होके आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे आपका दिखेगा, ठीक है, जो भी आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंपल पेंडिंग है, पेंडिंग पे जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है पहला रिस्पॉन्स है, पहला रिस्पॉन्स प्रोवाइड रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने अपना इनकम टैक्स फाइल किया है। फाइल किया है ना, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है, डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग देना है, मोड ऑफ आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ई फाइल किया तो ई फाइल सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स दे देंगे, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे लगता है अगर देना चाहे तो, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ बोला जाएगा कि आप सही में सबमिट करना चाह रहे हैं, तो ओके पे क्लिक कीजिए, और एक्टिविटी हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। ठीक है, एक्टिविटी हिस्ट्री में जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। क्लियर, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स डाउनलोड हो गया। ई कैंपेन को पोर्टल पे जाएंगे, वापस पार्शियल सबमिटेड है यहाँ पे जाएंगे, आपका ये पहला रिस्पॉन्स तो सबमिट हो गया, आप देख रहे सबमिट लिखा हुआ है, बट अब जो है आपको फीडबैक देना पड़ेगा यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फीडबैक क्या देना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे स्लाइड करेंगे, ऑप्शनल यहाँ पे दिखेगा, जिसमें ऑप्शनल आएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे इसको आपको देना, फिर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट है, ऑब्वियसली सबमिट कीजिए, क्लोज कीजिए, फिर यहाँ पे अगेन जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, आपने सबमिट किया है, फिर दूसरे वाले को चूज कीजिए, यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये कर देना है। ठीक है, क्लोज कीजिए। अब ये आपका पहला वाला चेक कर लेना, सारा जो है आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट हो गया है। क्लियर, Q4 और Q2 का। अब जो है बिजनेस रिसिप्ट की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शनल है, तो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये आपका सही है तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर ये टैक्सेबल नहीं है तो आपको इसको सेलेक्ट करके जो है आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर, और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, क्लोज कीजिए। इसके बाद जो है आप SFT, यहाँ पे जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इस बंदे ने SBI क्रेडिट कार्ड यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, और कुछ म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे ट्रेडिंग किया गया है, ठीक है ना, तो उसका शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे ई जो लिखा होना है इसका मतलब क्या होता है, फीडबैक एक्सपेक्टेड, यानी फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका फीडबैक आपको देना ही देना है, बाकी ऑप्शन हो सकता है। देखिए ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन लिखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, ऑप्शन लिखा होगा, बट यहाँ पे इसका मैंडेटरी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे आपको देना ही देना है, वो ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो दिखा रहा है 12,37,199 का, वो आपको इसका देना पड़ेगा कहाँ से कैसे है। ठीक है, चलिए चूज फीडबैक में जाइए, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट है, इज नॉट फुली करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेन है, या इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्लियर, अगर करेक्ट है तो यहाँ पे कीजिए और सबमिट जरूर कीजिए इसको। क्लियर, नीचे आइए, और ये बाकी ऑप्शनल है, आपको मैंने बताया था, तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये आप पे डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पे सारे का सबमिट कर देता हूँ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये ठीक है, ये रिस्पॉन्स आपको इस तरह सबमिट करना पड़ेगा। देखिए जहाँ पे भी आपको लगे कि इतना सारा आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ सभी में ऑप्शनल ऑप्शन लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे अगर आपको सारे को एक साथ यहाँ पे करना है सबमिट, तो सिंपल बल्क फीडबैक में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको देखना है कि अगर है सही तभी कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट हो गया। एक्टिविटी हिस्ट्री भी देख सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे में सबमिट सबमिट दिख रहा है, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपका सबमिट हुआ है कि नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे अब ई कैंपेन लिस्ट में जो है ओवरऑल स्टेटस क्या दिखा रहा है, सबमिटेड दिखा रहा है, यानी कि आपका सबमिट हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, देख रहे हैं दोनों में आपका सबमिट लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर मैसेज आया है कि आप ई कैंपेन के टैब में जाके अपना ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए, तो आप इस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे सका कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर ऑनलाइन सबमिट रिस्पॉन्स करने के लिए आया है तो आप किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब कभी भी आपको इस रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले वीडियो आप लोग को दिए जाते हैं। बस आज के लिए इतना इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।